ये जो है इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी मेजर है उसको अंडरस्कोर भी करता है फिर, है ना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग आज के हमारे यूट्यूब चैनल HSE भारत पर। मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो कि है निबोस से रिलेटेड, निबोस के आईडी से रिलेटेड। शायद आपको पता होगा या नहीं, तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में ही जो है निबोस आईडी के जो 3 पेपर होते हैं उसमें से DI-1 क्लियर कर लिया है। तो मैंने सोचा, जब मैंने क्लियर कर लिया है, काफ़ी लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आता, मुझे भी शुरू शुरू में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए, आप लोगों को बताया जाए कैसे क्या टॉपिक है क्या नहीं है ना। तो आज का जो टॉपिक मैंने पकड़ा है, रोल्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के रोल क्या है, कैसे काम करता है लेजिस्लेशन, तो इसी पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब उसके मौलिक सिद्धांत क्या हैं लेजिस्लेशन के, है ना। तो ये क्या है, लेजिस्लेशन रिप्रेजेंट करता है जो कि सरकार द्वारा बनाया और स्वीकृत किया गया है लॉ को, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि जो भी सरकार वगैरह जो लॉ बनाती है ना, तो उसको लेजिस्लेशन क्या प्रेजेंट करता है ना। तो उसके बाद अगला है अपना, इट सर्व अ कॉर्नर स्टोन। ये कॉर्नर स्टोन फॉर द लीगल फ्रेमवर्क, मतलब ये क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बना के देता है जिससे कि गाइड किया जा सके कंपनीज को और जो इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो लोग अपनी कंपनियां चलाए प्रोपराइटर्स हैं, उनको गाइड करता है एक फ्रेमवर्क के द्वारा। उसके बाद अपना जो अगला है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के आगे सब बराबर, गरीब चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बड़ा पैसे वाला हो छोटा कम पैसे वाला हो, चाहे मजदूर हो कोई भी हो, लॉ जो है सबके लिए बराबर है। तो पहला पॉइंट अपना ऐसा ही है, द लॉ इज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड अप्लीकेबल टू ऑल रिस्पेक्टिव स्टेचुएज और पोजिशन, मतलब इसका किसी पद से या फिर किसी भी पोजिशन से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए सब बराबर, चाहे कोई IAS अफसर हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई लेबर हो, जब कानून के आगे आएगा तो उसके लिए सब बराबर है ना। उसके बाद इट एम्फेसाइज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, मतलब ये जोर देता है जो प्रीवियस जो बड़े वर्ग के लोग हैं उनको एब्सेंस हटाने, मतलब कानून के सामने जब आओगे तो इसके आगे कोई मतलब ही नहीं है कि भाई ये तो बड़ा है छोटा है बराबर है, हमारे नज़र में सब बराबर से ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये था दूसरा पॉइंट इसका। अब प्रमोटिंग वर्क प्लेस सेफ्टी, तो ये प्रमोट भी करता है, कैसे प्रमोट करता है, द रोल ऑफ लेजिस्लेशन एक्सटेंड टू फॉस्टरिंग अ सेफ वर्क, मतलब ये काफ़ी जोर देता है बढ़ावा देता है कि जो है साइट पर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सेफ हो। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स एनकरेज एम्प्लॉयर टू प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल विद इन, मतलब ये कंपनियों को बढ़ावा करता है, बढ़ावा देता है कि भाई आपके पास जो बंदे काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी आपकी है और ये सबसे पहला काम होना चाहिए आपका। ये हो गया अपना ये पॉइंट। फिर चलते हैं आगे, गाइडेंस फॉर कंप्लायंस, मतलब कंपनियों को और जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें, तो उनको गाइड भी करता है कि भैया आपको कंप्लायंस के साथ कैसे डील करना है। तो पहला पॉइंट यही है, लेजिस्लेशन सर्व एज अ गाइड फॉर एम्प्लॉयर्स एडवाइजिंग देम ऑन हाउ एडहेयर टू द लॉ एंड प्रिवेंट वर्क प्लेस इंजूरी, मतलब ये गाइड करता है कंपनियों को और उनको बताता है कि भैया आप कैसे जो है कानून को पालन करोगे और जो साइट पर जो जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ पर किस तरह से लोगों को नुकसान होने से आप बचा सकते हो, है ना। उसके बाद इट फैसिलिटेट्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट रिस्पॉन्सिबली विद इन लीगल फॉर्म, मतलब एक फ्रेमवर्क देता है, भैया ये तुम्हारा दायरा है इसको तुम्हें फॉलो करते हुए काम करना है, ये लॉ है तुम्हें इसको फॉलो करना है, ये तोड़ोगे तुम्हारे ऊपर पेनल्टी आएगी या कुछ भी जो लीगल एक्शन होते हैं वो होगा, है ना। तो इसी तरह से बताता भी है, लेजिस्लेशन गाइडेंस देता है कि भैया इस तरह से करना है। फिर
ये गाइडेंस भी दे दी, ठीक है, प्रमोट भी कर लिया, फिर एक लीगल ड्यूटी देता है एम्प्लॉयर्स को, जो कि मालिक होते हैं कंपनियों के, उनको भी तुम्हारी ये ड्यूटी है। तो पहला पॉइंट क्या है अपना, एम्प्लॉयर्स आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू एंश्योर टू एक्सटेंड रीजनेबली प्रैक्टिकेबल द हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयर, मतलब कंपनी को एंश्योर सुनिश्चित करना है कि भैया जो कंपनी के बंदे हैं उनके हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर जो है वो रीजनेबली, मतलब जितना हो सकता है उतना सही किया जा सके, और द लॉ एम्फसाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड अदर्स, मतलब ये जोर इस बात पे भी देता है कि भैया आपको ये चीज़ मेंटेन भी करनी है, ये नहीं कि आपने एक बार किया फिर छोड़ दिया फिर किया फिर छोड़ दिया, ना ऐसा नहीं करना है, आपको मेंटेन करके रखना है सेफ एनवायरनमेंट, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी, जो विजिटर्स हैं वो उनके लिए भी, जो आसपास के नेबर्स हैं उनके लिए भी, ठीक है जी। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, अब लॉ बोलता है कि भैया आपको जो है अपनी साइट पर क्या क्या रिस्क है उसको भी वैलिडेट करना है, तो पहला पॉइंट अपना इसी पे है, लेजिस्लेशन इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द एम्प्लॉयर टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम ऑक्यूपेशनल हजार्ड एंड वर्क रिलेटेड वायलेंस, मतलब आपको आइडेंटिफाई और कंट्रोल करना है जो भी रिस्क है, जो भी खतरे हैं काम पे और आपसे काम से रिलेटेड है ना, और दिस अंडर स्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोएक्टिव मेजर्स इन एलिमिनेटिंग और मिटिगेटिंग वर्क प्लेस डेंज, ये जो है इम्पोर्टेंट जो प्रोएक्टिव मेजर है उसको अंडर स्कोर भी करता है फिर, है ना। गाइडेंस, गार्डियन ऑफ राइट एंड सेफ्टी, दिस लॉ इज एसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट अ प्रॉफिट ड्रिवन माइंड सेट दैट मे डिस रिगार्ड एथिक एंड सेफ्टी कंसर्न, मतलब गार्डियन ऑफ राइट एंड सेफ्टी, मतलब अब ये जो है ऑब्जर्व भी करता है, भैया ये जो कंपनी है जिसको हम लोग इतना गाइडेंस दे रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं, ये जो है वर्कर्स के राइट और उनके सुरक्षा को दे भी रहा है या नहीं देख रहा है, तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है अपना, द लॉ इज एसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट अ प्रॉफिट ड्रिवन माइंडसेट, मतलब क्या ये लोग सोचते ना अरे हमारा इतना फायदा होगा ये करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, पैसे चले जाएंगे ये चले जाएंगे, तो उससे जो है गाइडिंग करती है ना, और ऑल्सो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टर इंश्योरिंग सिटीजन राइट एंड प्रिजर्व प्रिवेंटिंग अब्यूज बाय एंटरप्राइज एंड इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, है ना, तो ये क्या करती है प्रोटेक्ट भी करती है कंपनीज को भी इंडिविजुअल्स को भी, ठीक है जी। फिर एंश्योरिंग इमिडिएट केयर, लेजिस्लेशन प्लेस अ ड्यूटी ऑन एम्प्लॉयर्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट इक्विपमेंट फैसिलिटीज एंड पर्सनल फॉर इमिडिएट अटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज इन केस ऑफ इंजरी, मतलब अगर आपके साइट पर कोई बंदा अगर चोट खा जाता है या कुछ हो जाता है उसको, तो उसकी इमिडिएट केयर के लिए भी आपके पास साधन होना चाहिए, इसको एम्बुलेंस होना चाहिए, साइट पर क्लिनिक होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होना ही चाहिए, ये भी लीगल ड्यूटी हो गई है अब, ठीक है जी। फिर आ गया अपना, दिस अंडर स्कोर द कमिटमेंट टू एम्प्लॉय वेल बींग एंड सेफ रिस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसी, है ना, तो ये अंडर स्कोर करता है कमिटमेंट को। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी ये वीडियो शुरू हो गई है, डेली एक वीडियो आया करेगी, और इससे आपका भी बेनिफिट है मेरा ही बेनिफिट है, मेरे क्या है मैं तो जो नॉलेज शेयर करूंगा मेरा नॉलेज अपडेट होता रहेगा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।